ममिता मेहर हत्या मामलें पुलिस तदंत को दुर्बल करने चेष्टा कर सांघातिक अभियोग कर विजय महापात्र आज एक सांबादिक सम्मेलन कर वरिष्ठ बीजेपी नेता केतक तथ्य उपस्थापन कर प्रश्न उठाई ममिता मामलें सिंधेखेला थाना पुलिस बंगमुंडा कोर्ट में दाखल करस डायरी आधार में यह प्रश्न कर विजय कहवा हो ममिता हत्या मामलें अक्टोबर 13 तारीख में एफआईआर कर पुलिस हेले 16 तारीख में कोर्टे केस डायरी करे कहीं तीन दिन विलंब है बा पुलिस कहीं विलंब कला से नहीं प्रश्न उठाई विजय महापात्र पुलिस केस डायरी में लिखा अच्छी अभियुक्त गोविंद साहू किसी छात्री और स्कूल और कलेजर महिला कर्मचारी जौन शोषण करुवा ममिता जाते एपरिक ममिता गोविंदर यह अनैतिक काम को विरोध करुते तेणु गोविंद सेक्स राकेट चल जो अभियोग तार तदंत किए कर प्रश्न कर गोविंद किभली आ क्यों स्थान में ममिता को हत्या करता से नहीं पुलिस सीन रिक्रिएसन कर फिल्म कही समालोचना करते विजय महापात्र आज से कथा को दोहर विजय कहते गोविंदर स्वीकारोक्ति पुलिस केस डायरी कहना एभली एकाधिक प्रश्न उठाई ममिता मेहर हत्या मामलें पुलिस तदंत प्रक्रिया को नहीं सन्देह प्रकाश कर वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय महापात्र प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल सी वाज इन कांस्टेंट टच विथ अक्यूज्ड गोविंद मेहर ऑन ऑफिशियल मैटर एंड डेवलप क्लोजनेस ममिता मेहर वाज ऑल्सो रिजाइडिंग इन एन अफिलिएटेड रूम दिस इज इम्पोर्टेंट इन साइड द गर्ल्स हॉस्टेल ऑफ आंचलिक महाविद्यालय मार्ग कहीं बाहर मौसम पचार कलेज अलग स्कूल अलग लोक विभ्रांत हो गले महालिंग कॉलेज रो गर्ल्स हॉस्टेल ले ममिता मेहर रहुथले इता पुलिस ले कि जेटा मु कोने तापर कहिछि इन द मीनवाइल डिजीज्ड ममिता मेहर वाज एबल टू नो अबाउट सम मिसडीड्स पर्टेनिंग टू सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन ऑफ अक्यूज्ड गोविंद साहू विथ सम गर्ल स्टूडेंट्स एज वेल एज सम वोमेन एम्प्लॉइज ऑफ द स्कूल कॉलेज जो मैंने कहते स्कूल अलग कॉलेज अलग इटा पुलिस रिपोर्ट सिटी एक सेक्सुअल रैकेट चली बोल कर केवल झील पा नुहे एम्प्लॉइज मान यहाँ स्कूल कॉलेज स्कूल स्ट्रोक कॉलेज हॉस्टल रूम अलॉटमेंट कर हॉस्टल इज वन हॉस्टल रूम से रहुला सी समस्त घटना को जान सर ममिता मेहर वाज अपोजिंग सच इमोराल एक्ट्स ऑफ अक्यूज्ड गोविंद साहू ताको विरोध कर ममितार चरित्र कौट संहार गोटे अनुष्ठान से हॉस्टल रूम दिया रखा जाता गोविंद साहू ही रखी एवं से सेक्सुअल रैकेट चली दिस फैक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द पुलिस बिफोर द कोर्ट आपको राजनीतिक रंग दबार किसी आवश्यकता ही पड़ुनि तो सेक्सुअल रैकेट चली तार अनुसंधान किए कर अनुसंधान तो कल गोविंद साहू को तो से संपर्क में पचरा जाए यदि पचार कोर्ट को दाखल है पुलिस को पचार कहीं कोर्ट दाखल इट सुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट से आम कही 164 कर 161 कर किसी कले 164 स्टेटमेंट देख रहे कि 161 भी है द्वितीय कथा कहले आम जो कथा मु बेसी रिएक्शन देली जे एक फिल्म शूटिंग चली दुई लाइन मात्र अच्छी गोविंद साहू विषय गोविंद साहू को आम नेलु सी आमको जगह देखेला आमको चिन्हला समस्त घटना गोटे पर गोटे स्वीकार कला एक केस रेकर्ड रे कौटी ना सब आश्चर्यजनक कथा लज्जाजनक घटना हूँ पुलिस पाई से संपर्क में कौन उल्लेख ना केस रे केस डायरी इज समथिंग डिफरेंट इत्ते बड़ केस सारा ओडिशा रे समस्त इतमे प्रतिक्रिया प्रकाश करछन्ति ए संपर्क उल्लेख केमती हलानी गोटे जगह केवल धाड़ी उल्लेख अच्छे
ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆଡମିଟେଡ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆଡମିଟେଡ୍ ଆଇନରେ ଆଡମିସନ୍ ଆଉ କନଫେସନ୍ ଲୟର୍ସ ମାନେ କହିପାରିବେ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଅଛି ସିଏ କନଫେସନ୍ କଲା ପୁଲିସ ଆଗରେ ବୋଲିକିରି ସେ କଥା ବି କହିନାହାନ୍ତି ଆଡମିଟେଡ୍ ଏଠୁ ହେଇଥିଲା ଖୋଳା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବାସ୍ ପଡ଼ିଥିଲୁ ତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ୱାର୍ଡ କନଫେସନ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଦେୟାର ଏଟା ଆଇନ ଏଟା ମୋର ଆଇନ ନୁହେଁ ଏଟା ସାରା ଦେଶର ଆଇନ ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ନେଇକି ଏତେ ଯୋଉ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲ ତାର ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲା ସତ ତମେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲ 13/10/21 ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି କୋର୍ଟକୁ ଆସିଛି 16 ତାରିଖ ଦିନ ଏଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନି 16/10/21 ଏଠି ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି ରିସିଭ୍ ଦି ଏଫଆଇଆର ଅନ୍ 13/10 ଏଟା ଆଦୌ ମୋ ରେକର୍ଡ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ଦଳର ରେକର୍ଡ ନୁହେଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ 3 ଦିନ ଏଫଆଇଆର କୋର୍ଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ ଆଇନ କହୁଛି ଯେ ଏଫଆଇଆର ହେଲାର 4th week ଆଗେ ଥିଲା 24 hours ତାପରେ ହେଲା ଆଟୱାର୍ଡସ୍ ଏବେ ଆଇନଟା ହେଉଛି 4th week ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠେଇବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋର୍ଟକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ କି ବାଧା ଥିଲା ସିନ୍ଦେଇକଲା ଥାନାରୁ ବଙ୍ଗବୁଣ୍ଡା କୋର୍ଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଡେରିରେ ବି ଦାଖଲ ହୋଇପାରିବ ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ଯଦି କୌଣସି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା ବାତ୍ୟା ହୋଇଗଲା ରାସ୍ତା କଟିଗଲା ସେଠିକି ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି ତେଣୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠେଇହେବ ସେହି କେସ୍ରେ ପୁଲିସ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟୋରି ନୋଟ୍ କୋର୍ଟରେ ଦେବ ଯେ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିପାରିଲିନି ଏ କଥା ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଲେଖିକି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ ତ ମୁଁ ଦାଖଲ କରିପାରିଲିନି ଏଟା ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ବିଶାରଦ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ ପୁଲିସ ସେ ବାବଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲେଖିକି ଦେଲା ନାହିଁ ଦେଇନାହିଁ କାହିଁକି 3 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହେଲା